चुंबकीय आदमी। चंबलपुर नाम के गांव में दरबार नाम का व्यक्ति विभिन्न किस्म के प्रयोग करता रहता था। उसकी इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रयोग करे जिससे दुनिया उसकी प्रतिभा का लोहा माने। इस सिलसिले में वो महाराज से कई बार मिलकर आर्थिक सहायता मांगता रहता था। कितनी बार आओगे? तुम्हारे प्रयोग की किसी को जरूरत नहीं है। कोई नौकरी चाहिए हो तो बोलो, देता हूँ। इन बेतुकी प्रयोगों के लिए मेरे पास पैसे ना मांगना, जाओ यहाँ से। दरबार प्रयोगशाला में रसायन तैयार कर रहा था। मेरे प्रयोगों को कभी भी कोई भी रोक नहीं सकता। जरूरत पड़ी तो अपनी संपत्ति बेचकर प्रयोग करता ही रहूंगा, कहकर अपना तैयार किया हुआ रसायन को वहां रखकर बाहर गया। उस गांव में मोटू नाम का एक व्यक्ति बेकार घूमता रहता था। आस पड़ोस के घरों में जाकर जो मिला उसे खाना उसकी आदत थी। यूं वो दरबार के घर आया। वहां उसे रसायन की बोतल नजर आई तो उसने सोचा, इसके घर में कभी भी कुछ नहीं मिलता। वैसे ये क्या काम करता है, क्या खाता है, कुछ नहीं पता। लगता है ये कोई कूल ड्रिंक है। यूं सोचकर गट गट पी गया। यक, ना बेकार है, क्या है ये, दोबारा इसके घर में नहीं आऊंगा। यूं सोचकर चला गया। वो यूं गांव में जा रहा था कि एक स्टील सामान की गाड़ी पीछे से आई। गाड़ी वाले ने गाड़ी रोककर, क्यों भाई, बीच सड़क पर सांड की तरह चल रहे हो? गाड़ी आ रही है, दिखाई नहीं देता? चलो हटो यहाँ से। मोटू पीछे मुड़ा तो सारे स्टील के सामान उड़ते हुए आकर उससे चिपक गए। ये देखकर वो गाड़ी वाला डर कर भाग गया। मोटू भी डर कर, अरे बाप रे, ये क्या, ये मुझसे क्यों चिपक रहे हैं, अरे बचाओ बचाओ, कहकर उन्हें फेंक कर भागने लगा। घर आकर मोटू ने माँ बाप को सब कुछ बताया। इसे और कोई काम धंधा तो है नहीं, यूं बावले की तरह बात कर रहा है। बेटा कहीं भी काम पर लगाओ तो तुम छोड़कर आ जाते हो, क्या करें तुम्हारा, बकवास करना छोड़ो और आकर खाना खाओ। उसकी माँ खाने की थालियां लेकर आई तो एक थाली मुंह पर और एक थाली छाती पर जा चिपकी। घर के बाकी सामान भी जैसे रेडियो, मिक्सर, बर्तन सब आकर उससे चिपकने लगे। बाप रे, बचाओ। देखा पिताजी, मैंने कहा था ना, आप यकीन नहीं कर रहे थे, अब देखा आपने। माँ बाप ने उन सबको निकाल कर फेंका। मोटू डर कर भागा। वो यूं भागते भागते जंगल में आया। शुक्र है यहाँ तो सिर्फ पेड़ पौधे हैं, कुछ नहीं चिपकेगा, जो मिला खाकर यहीं रह जाता हूँ, कहकर वो एक फल तोड़कर खाने लगा। इतने में शत्रु देश के सैनिक युद्ध करने के लिए समुद्री रास्ते से नाव पर आए। जंगल में उन्होंने आकर शिविर बनाया। एक सैनिक ने ये सब देखकर तुरंत महाराज को सूचित किया। महाराज तुरंत अपने सेना के साथ युद्ध के लिए रवाना हुआ। वो यूं आकर एक जगह रुककर शत्रुओं की निगरानी करने लगे। उन्हें वहां फल खाता हुआ मोटू भी दिखाई दिया। लगता है कि ये अपने देश का है, यहाँ क्या कर रहा है, चलो इससे हमें क्या। सिपाहियों हमला शुरू करते हैं, चलो। महाराज रुकिए, वो उनके पास जाते ही सारे सैनिक बाहर आएंगे, तब हम जान जाएंगे कि वो कितने लोग हैं। थोड़ी देर ठहरते हैं, देखते हैं कि वो क्या होता है। मोटू वहाँ के शिविरों को देखकर, ये क्या, यहाँ किसने डेरा डाला है, देखते हैं कि कुछ खाने को मिलता है कि नहीं। अरे भाई कोई है क्या, कहकर चिल्ला रहा था। महाराज और बाकी सिपाही बड़े ध्यान से देख रहे थे। एक सेना अधिकारी बाहर आकर, ए तुम कौन हो, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें अभी काट डालूंगा, सिपाहियों सब बाहर आ जाओ, कहकर चिल्लाया। सब बाहर आए, बस उनके सारे शस्त्र उछलकर मोटू से जा चिपके। मशाल भी उछलकर शिविर पर गिरने से शिविर में आग लग गई।
बस सिपाही, हाथी और घोड़े डरकर भाग गए। इस तरह शत्रु के सैनिक भाग खड़े हुए। मोटू घबरा कर उससे चिपके हुए शस्त्र को निकालकर फेंकने लगा। उसके पास कोई चुंबकीय शक्ति है, अपने शस्त्रों को छोड़कर उसके पास चलते हैं, कहकर अपना शस्त्र को छोड़कर उसके पास गए। बस महाराज के और बाकी सैनिकों के मुकुट मोटू से जा चिपक गए। मोटू डरकर, महाराज मुझे माफ करें, मैं ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। दो दिन पहले दरबार के घर पर कोल्ड ड्रिंक पिया था, तब से ऐसा ही हो रहा है। महाराज के खबर करने पर दरबार वहाँ आया। मोटू ने जो हुआ सब दरबार को बताया तो दरबार ने तुरंत एक रसायन दिया। उसे पीते ही मोटू के शरीर में चिपके हुए सब मुकुट नीचे गिर गए। शाबाश दरबार, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी प्रतिभा को पहचान नहीं पाया। अब से तुम्हारे प्रयोगों का खर्च मैं ही उठाऊंगा। मोटू, कल से तुम मेरे पास आकर काम करना शुरू करो। देश को बचाने के लिए तुम दोनों का धन्यवाद। यूं दरबार प्रयोग करते हुए और मोटू महाराज की सेवा करते हुए खुशी खुशी जीवन बिताने लगे। फ्लाइंग गैस ऑटो। मार्कापुर नाम के गांव में श्रीमान नाम का ऑटो वाला हुआ करता था। उसके घर के पास एक गैस गोदाम था। वो बहुत लालची था। एक दिन ऑटो स्टैंड पर पेपर पढ़ते साथ वाले ऑटो ड्राइवर से, छी छी छी, पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ गए। अरे यार, ऑटो चलाने से अच्छा तो हमें रिक्शा ही चला लेते। अरे भाई, ऑटो चार्जेस तो बढ़ाकर ही ले रहे हो ना, तो तुम्हें क्या परेशानी है? ऑटो स्टैंड ने जो तय किया है, यूनियन ने जो भाड़े तय किए हैं, वो तो तुम ले ही नहीं रहे हो, रिक्शा चला लेते। ठीक है वो सब छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी तो बहुत खूब माइलेज दे रही है, क्या राज है? राज? तुम्हें बताया तो था, मैंने अपनी गाड़ी में LPG सिलेंडर लगवाया है, उसी की वजह से अच्छी माइलेज दे रही है। इससे प्रदूषण भी नहीं होता। उसे लगवाने का कितना खर्चा होता है? मामूली सिलेंडर लगाने से काम नहीं करेगा। LPG सिलेंडर लगाने के लिए कम से कम 50,000 लगेंगे। मामूली गैस सिलेंडर से गाड़ी चल तो जाएगी, लेकिन उसे फिट नहीं कर सकते। और तो और, खतरनाक भी है, इसलिए LPG इस्तेमाल करते हैं। घर पर मामूली गैस सिलेंडर को ऑटो में कैसे लगाना है वो ये किताब में पढ़ा। फिर उसे घर के पास वाले गोदाम पे नजर गई। मूर्खाई का, बेकार में 50,000 दे दिए, वो भी इस LPG सिलेंडर लगवाने के लिए। मैं तो बुद्धिमान हूँ, किताब पढ़कर सब सीख लिया। घर के बगल में ही सिलेंडर मिलते रहेंगे तो कुछ परेशानी भी नहीं होगी। फिर एक वेल्डिंग शॉप में जाकर एक नोजल को तैयार करवाया। रात को चोरी छुपे एक सिलेंडर भी चोरी कर लिया। अगले दिन सुबह ऑटो के पीछे उसने सिलेंडर का कनेक्शन दिया। ऑटो की चाबी घुमाते ही ऑटो डुब 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 आवाज करके चालू हो गई। इतने में उसकी पत्नी, अरे वो सिलेंडर क्या है जी, ऑटो में क्यों लगवाए हो? ये सब तुम्हारे पति के चतुराई का कमाल है। अब से मुझे पेट्रोल डीजल की कोई जरूरत नहीं। अब भले ही सरकार कितना भी दाम बढ़ा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है क्यों? क्योंकि अब ये गैस सिलेंडर पर चलेगी। क्या भला, सिलेंडर से कोई ऑटो चलता है क्या? हाय राम, कहीं घर का सिलेंडर तो नहीं उठा कर लाए, मैं खाना कैसे बनाऊंगी? श्रीमान, अरे पगली, मैं मूर्ख थोड़ी हूँ, घर का सिलेंडर इस्तेमाल करूंगा। वो पास के गोडाउन नजर आ रहा है, कुछ समझ आया? हे भगवान, चोरी बहुत बुरी बात है जी। और जोर से पुकारो, जाकर उस गोडाउन वाले को बता दो। वो क्यों नहीं, एक काम करो, एक प्रेस मीट करा लो और सबको बता दो। हाँ, चलो जाओ काम करो अपना। फिर वो लोगों को ऑटो में बैठा कर अच्छे पैसे कमाने लगा। गांव वाले उसके ऑटो को अजीब तरह से देखने लगे। ऑटो स्टैंड के पास एक ऑटो वाला, अरे ये क्या, LPG के बदले नॉर्मल सिलेंडर लगाए हो? बहुत खतरनाक है भाई, और कुछ तो नियम का पालन करो। अबे तुम मूर्ख हो इसलिए 50,000 रुपए दिए इसके लिए, खतरा वतरा कुछ नहीं होता। बड़ा आया नियम पालन करने वाला, जाओ जाओ। एक दिन गैस गोडाउन का मैनेजर सिलेंडर गिनती करते हुए सिक्योरिटी वाले के पास,
अरे भाई राजा, रोज सिलेंडर कम आ रहे हैं क्या? कभी कभार तो फुल सिलेंडर के बदले खाली सिलेंडर रखा होता है। आखिरकार हो क्या रहा है? हम तो अच्छे से ही देख रहे हैं साहब, फिर भी संदेह क्यों रखें? एक बार सीसीटीवी कैमरा में देख लेते हैं। वैसे दोनों ने सीसीटीवी फुटेज देखा। फुटेज देखते ही उन्हें मालूम पड़ गया कि श्रीमान चोर है। अच्छा, तो यही है चोर। राजा, इसे किसी भी हाल में सबक सिखाना ही होगा। तुरंत जाकर गुब्बारे में भरने वाली हीलियम गैस ले आओ और अपने सिलेंडर में भरो, फिर देखते हैं तमाशा। हर एक दिन की तरह श्रीमान आकर बिना जाने पहचाने हीलियम गैस वाला सिलेंडर भर लिया। और कनेक्शन भी दे दिया। देखा, एक महीने में कितना कमाया। देखते रहना, जल्द ही हम सिंगापुर भी जाएंगे। बाप रे बाप, सिंगापुर ट्रिप इसी ऑटो में क्या? अरे ऑटो में नहीं रे पगली, फ्लाइट में। फ्लाइट मतलब जो हवा में उड़ती है। कहकर ऑटो चालू किया। बस वो एक कदम जा ही रहा था कि उसकी ऑटो उड़ने लगी। ओ जी, मुझे छोड़कर अकेले सिंगापुर जा रहे हो? हाय राम, ये क्या, ये हवा में क्यों उड़ रही है? बचाओ बचाओ, कहकर पुकारने लगा। ऑटो हवा में और तेजी से उड़ने लगी। अचानक हवा में गोल गोल घूमने लगी। हवा के झोंकों से पलटी भी मारने लगी। श्रीमान डर कर बाप रे बाप, बचाओ बचाओ, कहकर हवा में चिल्लाने लगा। ये सब देखकर गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। फिर गैस खत्म होते ही उसकी ऑटो पानी में गिर पड़ी। थोड़े समय बाद गोपी वहां आया। क्यों भाई श्रीमान, तुम्हें क्या लगा चोरी करोगे और पकड़े नहीं जाओगे? देखा, तुम्हारा ऑटो पानी में डूब गया मूर्ख। जाओ जाकर नया ऑटो खरीद लो और ईमानदारी से जियो। वैसे ही श्रीमान ने किया। लालच से जो पैसे कमाए थे उससे नया ऑटो खरीदकर ईमानदारी से जीना शुरू किया।